कुछ लोगों को पैसे बर्बाद करने का मुझे लगता है कि शौक ही चढ़ा होता है, और उनको साथ ही साथ ये भी शौक होता है कि लोगों का दिमाग खराब किया जाए और उनका टाइम बर्बाद किया जाए। तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे गहराइयां मूवी के बारे में, जो तकरीबन 2.5 घंटे के आसपास है। पूरी मूवी देखने के बाद मुझे ये समझ में नहीं आया यार, ये जो गहराइयां इस मूवी को नाम दिया गया है वो क्यों दिया गया, किस लिए दिया गया, क्या लॉजिक बनता है, या फिर कहूं इस पूरी मूवी का ही क्या लॉजिक बनता है। अच्छा खासा पीकी ब्लाइंडर वेब सीरीज चल रही थी, 3 सीजन खत्म कर चुका था, इतनी बढ़िया स्टोरी, इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस देखकर एकदम से अचानक से ये टट्टी वेब सीरीज, टट्टी मूवीज देखने लगता हूं यार, दिमाग की दही हो जाती है। एक रिव्यू जो है वो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रहा था, उसका स्क्रीनशॉट जो मैंने लिया, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ वो शेयर किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ओपिनियन मेरे भी हैं जैसा उस स्क्रीनशॉट के अंदर है। अनन्या और दीपिका कजन्स होते हैं, दोनों का एक एक बीएफ होता है, दीपिका का बीएफ नल्ला है एकदम, और अनन्या का बीएफ एक फेक रिच है। तो दीपिका 2 डायलॉग मारने से ही पट जाती है अनन्या के बीएफ से, और फिर हुकअप शुरू होता है, अपने नल्ले बेरोजगार को वो डंप कर देती है। अब जो फेक रिच बंदा है वो अनन्या के बाप यानी अपने होने वाले ससुर के पैसों से बिजनेस कर रहा है, पर एक नंबर का फ्रॉडिया है, उसका फ्रॉड पकड़ा जाता है और उसको कवर करने के लिए एक छोटा सा फ्रॉड और कर देता है अनन्या के साथ, पर दीपिका को बोलता है बेबी जोना आई लव यू, हम शादी करेंगे एंड बस। दीपिका एज यूजुअल चैट देख लेती है उसकी अनन्या के साथ कि भाई साला ये तो डबल गेम खेल रहा है, और मार देती है गलती से। अब इस सब का कोई सेंस बना नहीं ना, बस मूवी का भी कोई सेंस नहीं बना। 4 एक्टर वेले बैठे थे तो कैमरामैन को जबरदस्ती 100 रुपए देकर बनवा ली मूवी। वाहियात, एकदम इससे बेटर अनुपमा देख लो, कोई अपनी मंगेतर की बहन के साथ लगा हुआ है, कोई भाई अपने दूसरे भाई के उसकी वाइफ के साथ लगा हुआ है, और इसको न्यू एज सिनेमा का नाम दिया गया है कि देखो भैया ये मॉडर्नाइजेशन है, ये कहानी है, कमाल की चीज है ना, इस चीज को ये एक न्यू एज सिनेमा देख रहे हैं हम बॉलीवुड वालों का। एक बात तो ये समझ नहीं आती, इतने ओटीटी प्लेटफॉर्म होते हैं, इन जैसी मूवीज को ले कैसे लेते हैं। शुरुआत का थोड़ा बहुत ड्रामा ठीक लगता है, लेकिन बाद का कोई सेंस बनता है उस बात का? इवन यार स्टोरी की एंडिंग जिस तरीके से दिखाते हो यार, क्या था, बस पैसा बर्बाद है यार, सच में लोगों का दिमाग खराब कर रखा है इन्होंने। ओटीटी प्लेटफॉर्म सोच समझ के इनको ऐसी मूवीज की मतलब कि लेनी चाहिए कि यार ये इसमें कोई सेंस है, कि अच्छी चीजें हैं नहीं है यार, थोड़ी बहुत टीम तो बिठा लो ना यार वहां पे। तो देखो भैया अपने को तो ये मूवी पसंद नहीं है, शायद दूसरों को ये मूवी पसंद आ सकती है, सबके ओपिनियन अलग अलग है भाई, क्योंकि 5 उंगलियां सेम नहीं होती, आपके अपने विचार हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप मेरे साथ ही सहमत करो। तो अब ये मत बोलना कि यार तुझे मूवी देखना पसंद नहीं है, सबके अपने अपने विचार है, मेरा ये विचार है मुझे ये मूवी कहीं से भी एक तरीके से कह सकते कि देखने लायक नहीं लगती है, जिसके अंदर हर चीज के ऊपर समुंदर समुंदर या फिर बेडरूम बेडरूम और बस यही चल रहा है उसके अंदर, और इसको न्यू एज सिनेमा कहते हैं। तो मेरे लिए तो भैया नील भट्टे सन्नाटा है। बाकी अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो कमेंट कर देना कि आप लोगों को कैसी लगी, अगर नहीं देखी है तो भैया दूर रहो इन जैसी चीजों से, कहीं से भी आपको ये संतुष्टि नहीं देंगे कि आपने बहुत बढ़िया मूवी देख ली, ऑलरेडी ये चीजें जो है आपको दिमाग खराब ही करके जाएंगी। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।